How are you to all? Are you fine? Okay. I hope all of you feel good. Students, welcome to my video. Today I am going to teach you first chapter of our social science book and the name of the chapter is I Love My India. Class 4 Social Science. Now let us start beta. India is in Asia. हमारी इंडिया एशिया में है. वी ऑल लिव इन एशिया कॉन्टिनेंट एंड यू नो वेरी वेल देयर आर 7 कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड एंड एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड. ओके, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन वर्ल्ड इन एरिया वाइज. दैट मीन्स आवर इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री. हमारी इंडिया 7वीं संसार की सबसे बड़ी कंट्री है एंड सेकेंड लार्जेस्ट इन पॉपुलेशन और जनसंख्या के मामले में सेकेंड पोजिशन पे. द नॉर्थन बाउंड्री ऑफ इंडिया इज प्रोटेक्टेड बाय वेरी हाई माउंटेन रेंजेस दैट इज अवर हिमालयाज. नॉर्थन बाउंड्री नॉर्थ इंडिया के नॉर्थ में हमें प्रोटेक्ट कर रहा है माउंटेन रेंजेस दैट इज अवर हिमालयाज. नाउ लेट अस मूव. इज दैट क्लियर टू यू? आई थिंक सो. द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज अ पेनिनसुला. जो हमारे इंडिया का साउथर्न पार्ट है दैट पार्ट इज कॉल्ड पेनिनसुला. इट इज सराउंडेड बाय द वॉटर बॉडीज नेमली द अरेबियन सी इन द ईस्ट एंड बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट एंड इंडियन ओशन इट इज इन द साउथ. दैट मीन्स द साउथर्न पार्ट ऑफ अवर इंडिया इज अ पेनिनसुला. हमारे इंडिया का जो साउथर्न पार्ट है नॉर्थ south southern part is that is called our peninsula. Why it is so? Because it is surrounded by 3 large water bodies. Kyunki wo teenon taraf se badi badi large water bodies se ghira hua hai. Arabian Sea, it is in the west. Arabian Sea west mein, west direction mein Arabian Sea se ghira hua hai. The Bay of Bengal, it is in the east, east mein Bay of Bengal se and in the south, south mein Indian Ocean se ghira hua hai. That means our India southern part of our India it is called peninsula. Why it is so? Because it is surrounded by 3 large water bodies. Okay, I think is that clear to you? India shares land boundaries with Pakistan, Afghanistan, China, Nepal, Bhutan, Myanmar and Bangladesh. These are our neighboring countries. That means India land boundary share करती है इन countries से. इनकी सीमा touch होती है हमारी India से. Pakistan, Afghanistan, China, Nepal, Bhutan, Myanmar and Bangladesh. These are our neighboring countries. And our neighbors across sea, समुद्र के पास भी हमारे neighboring countries है. That is our Sri Lanka and Maldives. It is also our neighboring countries. Now let us talk about political division. You know that there are 2 types of division, physical division and political division. In political division, India became an independent country on 15th August 1947 today. That means हमारी India free हो गई थी 15th August 1947. Today, India is a union of 28 states and 9 union territories. आज हमारा इंडिया 28 स्टेट का संघ है एंड 9 यूनियन टेरिटरीज है इंक्लूडिंग द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली. इसमें इंक्लूड हो जाती है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली. दैट मींस इन पॉलिटिकल मैप इट शोज द स्टेट्स एंड देयर कैपिटल्स. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द फिजिकल डिवीजन. द लैंडफॉर्म्स ऑफ आवर कंट्री वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. दैट मींस इन फिजिकल मैप इट शोज द लैंडफॉर्म्स. लैंडफॉर्म्स मीन्स अ नेचुरल फीचर दैट मीन्स प्लेट्यूज प्लेन्स डेजर्ट्स. दीज आर अवर मेजर लैंडफॉर्म्स. द लैंडफॉर्म्स ऑफ आवर कंट्री वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. दैट मीन्स हमारे कंट्री के जो लैंडफॉर्म है प्लेस टू प्लेस वेरी करते. सभी जगह लैंडफॉर्म एक जैसा नहीं है. इंडिया कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू फिजिकल डिविजन्स. इंडिया को मोटे तौर पे 5 फिजिकल डिविजन में बांटा है. द नॉर्थन माउंटेन फर्स्ट वन इज द नॉर्थन माउंटेन्स. मीन्स हमारे इंडिया के नॉर्थ साइड के माउंटेन्स एंड द प्लेन्स. प्लेन्स मीन्स नॉर्थन एंड कोस्टल प्लेन्स. दैट मीन्स नॉर्थ इंडिया के नॉर्थ साइड की प्लेन्स एंड कोस्टल प्लेन्स. कोस्टल प्लेन्स मीन्स
समुद्र के पास वाला जो लैंड एरिया होता है दैट इज अवर कोस्टल पे. थर्ड वन द वेस्टर्न डेजर्ट, डेजर्ट वो भी कौन सी डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में. द साउथ एंड प्लेट्यू, साउथ डायरेक्शन में जो प्लेट्यू से दैट इज अवर साउथ एंड प्लेट्यू. एंड द आइलैंड्स, दीज आर द फाइव फिजिकल डिविजन. आई थिंक इज दैट क्लियर टू यू. दिस इज इनफ टू यू स्टूडेंट्स. मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. गुड डे.